तो दोस्तों आपने मिथुन की फिल्म का वो गाना सुना होगा, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लूटन कबूतर रे। अब हमारे अरविंद केजरीवाल जी अटरिया पर कबूतरी लूटने के लिए चढ़ गए, लेकिन उन्हें वहां पर एक गिद्ध बैठा मिला और उस गिद्ध ने ऐसी चोंच मारी कि अरविंद केजरीवाल जी पट्ट से अटरिया से गिर गए। अरविंद केजरीवाल जी का प्लान था कि बिल्ली घर में घुसकर रोज दूध पी जाती है, उस पर आज गर्म पानी डालूंगा, लेकिन वो बिल्ली तो उसमें बबल बाथ ले गई। बिल्ली का नाम था शीला और अब अरविंद केजरीवाल जी हार्ट ब्रेक के कारण ऐसी मुद्रा में बैठे हैं जैसे वो एसिड अटैक करने वाले हैं किसी पर। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, सारी चीजें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि वो अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देने वाली है 2019 के इलेक्शंस में, और इसको सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पारी को वहीं से शुरू कर दिया है जहां से उन्होंने शुरू किया था, और वो कहने लगे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं जी, लेकिन इस पनडुब्बी ने यहां तक पहुंचते पहुंचते भैया कितने गोते खाए हैं वो जरा देख लेते हैं। 25 जनवरी को मिलते हैं शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल, आंखों में आंखें हाथ में हाथ, और ये वही शीला दीक्षित थी जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल के पास 370 पेजों का इतना मोटा सबूत था। साथियों, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने में बाबर रामदेव जी के नेतृत्व में देके आ रहे हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट दर्ज करा के आ रहे हैं। लेकिन 2015 में सरकार बनते ही शायद अरविंद केजरीवाल ये 370 पेज खा गए और इसी कारण से शायद उन्हें पेचिश लग गई। उसके बाद उन्होंने इसकी डिटेल जो थी वो एक ट्वीट में बताई भी थी कि मुझे लूज मोशन हो गए हैं इसलिए मैं आज दफ्तर नहीं आ पा रहा हूं, और उसके आगे की डिटेल भी शायद वो बताते, लेकिन ट्विटर ने कह दिया कि हमारे प्लेटफॉर्म पर गंद मत फैलाओ। अब 25 जनवरी को कांग्रेस की इस हसीना से यूं मुलाकात हो गई और कुछ सीटों की बात हो गई। क्या बात हुई होगी, कितनी सीटों की बात हुई होगी वो हम गैस करेंगे, लेकिन इस मीटिंग के कुछ दिन बाद अरविंद केजरीवाल ये कहते दिखाई दिए, भाई साहब हम कांग्रेस को मना मना के थक गए, गठबंधन कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा। आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए बीजेपी 7 सीटें हार जाए। भाई इतनी डेस्परेशन तो इन्होंने अपनी चोरी हुई वैगनार के लिए नहीं दिखाई, लेकिन शीला ने वही काम किया जो अत्ताउल्ला खान के साथ 90s में हुआ था। तो दोस्तों बेसिक बात ये रही दिल्ली के अंदर कि शीला दीक्षित ने डिसीजन लिया है कि कांग्रेस जो है भैया वो अपने आप चुनाव लड़ेगी, और जो पनडुब्बी अरविंद केजरीवाल की उसने जहां गोता लगाया था वहीं पर वो वापस आ गई है। अब बात आती है कि ये चुनावी विवाह आखिर हो क्यों नहीं पाया। इसका कारण है आज से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने 6 कैंडिडेट लोगों के सामने रखे थे कि ये भाई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर 7 सीट हैं तो उन्होंने 7वां कैंडिडेट क्यों नहीं रखा लोगों के सामने, उसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के सामने शर्त रखी हो कि भाई दिल्ली के अंदर ना 7 सीट हैं उनमें से 6 पे तो मैं लड़ूंगा, 1 मैं आपको दे देता हूं, और हो सकता है अरविंद केजरीवाल उसके बाद उसी चीज पर अड़े रहे हों, यानी उन्होंने कांग्रेस को कहा कि भाई एक अखरोट मैंने फोड़ दिया है इसके छिलके तुम खा लो और बाकी मैं खा लेता हूं। तो इसके बाद शीला दीक्षित ने कहा भैया 1 सीट भी ना तू ही रख ले, हम तो अकेले लड़ लेंगे। और दोस्तों केजरीवाल तो केजरीवाल, उनके समर्थक यूट्यूबर्स भी जो शीला दीक्षित के अगेंस्ट कभी वीडियोस बनाते थे वो आज कह रहे हैं भाई शीला जी आपने अच्छा नहीं किया, आप तो बीजेपी से मिली हुई हैं क्योंकि आपकी वजह से बीजेपी 7 की 7 सीट ले जाएगी। ये कितने भोले लोग हैं राम कसम, भोले हैं या चालाक हैं हमें तो समझ नहीं आता, शायद भोले ही होंगे ये लोग। इतने भोले हैं कि खलनायक फिल्म की रिलीज के बाद से आज तक यही ढूंढ रहे हैं कि के पीछे क्या है। लेकिन दोस्तों यही अरविंद केजरीवाल आज से कुछ समय पहले तक क्या कहते थे ये देख लीजिए। कांग्रेस वाले पिछताएंगे, क्यों आपको ऐसा लग रहा है? थोड़ा इंतजार कर लो आप। नहीं, आपको क्या लगता है उन्होंने क्या सोच के आपको सपोर्ट ऑफर किया? वो तो वही बताएंगे जिन्होंने, हमने आज तक उनसे बात नहीं की। अब ये पहला ऐसा सपोर्ट है जिसमें वो जबरदस्ती सपोर्ट कर रहे थे,
हमने उनसे सपोर्ट मांगे नहीं, आज तक उनसे फोन पे बात नहीं हुई कभी, आज तक कभी मुलाकात नहीं हुई। पर दोस्तों ये दो लोगों का चुनावी प्यार नहीं है, इसमें लव ट्रायंगल है, इसमें नरेंद्र मोदी भी हैं। 2015 में आम आदमी पार्टी की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ है कि पीएम के लिए भैया मोदी और सीएम के लिए भैया अरविंद केजरीवाल, यानी कि नरेंद्र मोदी को यूज करके वोट मांगे जा रहे थे और आज अपने प्यार का इजहार नरेंद्र मोदी के लिए 2019 में किन शब्दों में प्रपोज कर रहे हैं ये नरेंद्र मोदी को चुनाव के लिए, वो जरा देखिए। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए दोस्तों, ये देश नहीं बचेगा, ये इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह ने एक रैली में बोला था कि अगर 2019 के अंदर भाजपा की सरकार बन गई तो 2050 तक भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। अमित शाह ने ऐसा क्यों बोला था? उन लोगों के इरादे बड़े खराब हैं, उन लोगों के इरादे खतरनाक हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई दोस्तों, ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। 1931 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था, जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 1931 में, कुछ महीनों के अंदर उसने देश का संविधान बदल दिया, उसने चुनाव खत्म कर दिए और जब तक हिटलर मरा नहीं वो जर्मनी का चांसलर रहा। जो हिटलर ने किया था मोदी और अमित शाह की वही मंशा है, वो इस देश का संविधान बदलना चाहते हैं, वो इस देश से लोकशाही खत्म करना चाहते हैं, वो इस देश से जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों कुछ भी करो, 2019 में इनकी जोड़ी को दोबारा सत्ता में मत आने देना। पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद तक जब तक एयर स्ट्राइक नहीं हुई थी तब तक हमारे सरजी का कॉन्फिडेंस देखिए कि अगर वो 40 हमारे शहीद करेगा तो हम 400 शहीद करके आएंगे, एक के बदले 10, ये कीमत होगी, उसको कीमत कॉस्ट पता होनी चाहिए इस तरह के मिस एडवेंचर की। अभी पाकिस्तान को लगता है कुछ भी कराओ ये तो कुछ करते नहीं है, वो गलत है। वो अगर 40 मारते आप 400 मारो तो वो बराबरी पे बात करेंगे। और जब एयर स्ट्राइक हो गई तो देखिए इस वीणा से कैसे सुर निकले। सीट लेने के लिए कितने लोगों को शहीद करोगे, हमारे कितने जवानों को शहीद करोगे, कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को, हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे, कितने परिवार बर्बाद करोगे, कितने माओ के बच्चे छीनोगे, कितनी औरतों को बेवा करोगे तुमको 300 सीट लाने के लिए। लानत है ऐसी पार्टी के ऊपर, लानत है ऐसी। अब जब भारत के अंदर असली चुनावी प्यार ना मिल पाया तो उसी क्षण आता है इसका असली प्यार, यानी पाकिस्तान से प्रेम की बौछार होने लगी। देखिए मोदी को भारत में भी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जंगी जुनून में मुब्तला मोदी के इलेक्शन अहदाफ बेनकाब कर दिए। कहा 300 सीटों के लिए मोदी कितने फौजियों को मरवाओगे। केजरीवाल ने पूछा कि मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए तुम्हें कितनी लाशें चाहिए, कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे, कितने बच्चों को यतीम करोगे, कितनी औरतों को बेवा करोगे अपनी 300 सीटों के लिए। मीनवाइल 2012 में भी अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के घर के बाहर बैठे हुए थे और 2019 में भी नहीं सुधर रहे, उनके ही पीछे पड़े हुए हैं कि भैया गठबंधन कर लो हमारे साथ, लेकिन हमारी शीला मौसी ने मना कर दिया है तो उसके कारण अरविंद केजरीवाल आज किस हाल में है देखिए। अरे भाग का रहे हो, अभी तो इन्हें और जलील होना है। इनके संगठन ने सर्वे कर लिया है कि 90% मुसलमान जो हैं वो इनके लिए वोट करने वाले हैं चुनावों के अंदर, और ये भाई साहब जो हैं वो नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसी बात कर रहे थे। 70 साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान को कमजोर करें, 70 साल से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान को धर्म और जाति के नाम पर बांटें। पाकिस्तान 70 साल में जो नहीं कर पाया
वो मोदी और अमित शाह जी ने 5 साल के अंदर करके दिखा दिया। तो दोस्तों देख लो, ये हाल चल रहा है दिल्ली की राजनीति में। अब इनका क्या भूत उतरेगा, कैसे उतरेगा हमें नहीं पता। इनको कोई ले जाओ किसी तांत्रिक के पास, नहीं तो इनका ये भूत और ज्यादा चढ़ता जाएगा। कोई इन पर नीम चढ़ाओ, कोई इन पर नींबू चढ़ाओ, कुछ तो करो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए कमेंट करके। साथ ही साथ केजरीवाल की ओछी राजनीति, केजरीवाल किस प्रकार से कभी इधर कभी उधर पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं, क्या चल रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ भैया हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिए patreon.com पर। आपका सपोर्ट वांछनीय है क्योंकि आपका सपोर्ट हमें पैरों पर खड़ा करता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए। उस पर बैठ जाइए, लेट जाइए, कुछ भी कर लीजिए, पर वो आइकॉन दब जाना चाहिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।